आप मुझे देखते हैं अपने चैनल संकल्प अकेडमी प्लस पर और मैं सुमेश सिंह फिर से आपके साथ आ चुका हूं अपने क्लास नाइन्थ का लेसन नंबर सेकंड का वीडियो नंबर थर्ड लेकर के, मींस इज मैटर प्योर और इम्प्योर का वीडियो नंबर थर्ड लेकर के। वीडियो नंबर सेकंड में मैंने बात किया था इंट्रोडक्शन अबाउट सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटरोजेनियस मिक्सचर, ये सारी बातें हो चुकी थी। आई होप आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, उस लिंक के थ्रू जा करके आप उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को देखें, आपको काफ़ी अच्छा कंसेप्ट फील होगा और आप अपने आप को काफ़ी अच्छा फील करेंगे। मैं अपने सभी सब्सक्राइबरों को लॉट्स ऑफ थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने इतने शॉर्ट इंटरवल टाइम में मुझे 722 सब्सक्राइबर अभी तक मुझे प्रोवाइड किए और ये सिलसिला आगे बढ़ते जाएगा। आपके इस प्लेटफॉर्म पे दो और नए हमारे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, बरकत सर जो कि जूलॉजी के लिए, तनु मैम बॉटनी के लिए आपके साथ काम कर रहे हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि वो लोग नीट के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और केमिस्ट्री के लिए मैं हमेशा आपके साथ तत्पर हूँ। चलिए टाइम को ना किल करते हुए एक बार रिविज़न करते हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर का। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ ए होमोजेनियस मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट्स आर इन यूनिट फेज। ये बातें हो चुकी है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स को आप मिला लो सारे का फेज, सारे का स्टेट क्या होता है? सेम होता है। इसके बाद से मैंने देखा था कि सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज है, सॉल्यूशन एक यूनिट फेज में होता है। सेकेंड, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। टिंडल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, फिल्ट्रेशन से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, स्टेबिलिटी होती है। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में आते हैं, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट मीडियम होता है जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है जिसको डिजॉल्व करते, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। ये एक छोटा सा क्या था, ट्रेलर था जो मैंने फिल्म बना करके आपको वीडियो नंबर सेकंड में दिया है। वीडियो देखना है, फिल्म देखना है, लिंक के थ्रू जाएं उसे देखें। आई होप आपने वाच किया होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो नंबर थर्ड फ्रॉम द इज मैटर प्योर और इम्प्योर। आपको कुछ आवाज़ें बाहर की मिल रही होंगी, वो आवाज़ें इसलिए हैं कि बगल में कुछ काम हो रहा है इसलिए छोटी छोटी आवाज़ें आपको मिलती रहें। चले, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अलग अलग बेसिस है, उस बेसिस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग टाइप्स के सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा बेसिस आपको एनसीईआरटी समझाना और प्री फाउंडेशन नीट और जेई के लिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेसिस होने जा रहा है बेसिस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। अभी मैं जो आपको टाइप्स पढ़ाने जा रहा हूं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, वो है कि किसी सॉल्यूशन में कितने सारे कंपोनेंट्स उसमें मिले हुए हैं, सॉल्यूशन में टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं। जैसे मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूं, दो तरह का सॉल्यूशन ले रहा हूं, वाटर प्लस शुगर, और एक दूसरा सॉल्यूशन ले रहा हूं एयर, जिसमें आपको पता है N2O2Cl2 आर्गन etc क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है वाटर प्लस शुगर, यहाँ पे जो टोटल इसके जो कंपोनेंट्स हैं वाटर प्लस शुगर के, जो टोटल कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट्स वाटर है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, दैट इज कॉल्ड द शुगर। सो द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 2, बट हियर द टोटल कंपोनेंट्स आर क्या है, मोर देन 2। एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें कंपोनेंट्स का नंबर कितना है, 2 है, और एक कंपोनेंट्स ऐसा है, एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का नंबर मोर देन क्या है, 2 है। इसका मतलब कि कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग भी आप सॉल्यूशन को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, इफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज 2 एंड इफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज मोर देन 2। तो इफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 2 दैट सॉल्यूशन मींस इफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 हो, जैसे ग्लूकोज प्लस वाटर 2 कंपोनेंट्स, एल्कोहल प्लस वाटर नंबर ऑफ कंपोनेंट 2, बाइनरी
साल्ट प्लस वाटर बाइनरी होगा, पॉलिनर जिसमें मोर देन वन कंपोनेंट्स हो, जैसे एयर लार्ज अमाउंट ऑफ गैसियस का क्या है मिक्सचर है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस का क्या है एक सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, दैट इज द पॉलिनरी सॉल्यूशन। एलवाई दो से ज्यादा मेटल्स को आप मिक्स करते हो तो क्या करता है एलवाई का फॉर्मेशन होता है, वो एक तरह का क्या है पॉलिनरी सॉल्यूशन है। तो पॉलिनरी सॉल्यूशन इन विच दैट कंटेन द मोर देन टू कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड द पॉलिनरी, एंड इफ द सॉल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट्स आर अवेलेबल दिस इज कॉल्ड द बाइनरी, उसे हम क्या कहते हैं बाइनरी कहते हैं। तो चलिए पहले बाइनरी का डेफिनेशन लिखते हैं फिर पॉलिनरी का करते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स components present in a solution there is generally two types of solution, first is called the binary solution and second is called polynary solution, first is called the binary solution and second is called the polynary solution. First is that binary solution those solution in which total number of components are present is total number of components are present equal to 2 in number known as binary solution. वैसे solution जिसमें जो number of components हो उन number of components का number कितना हो दो हो, वैसे सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट्स का नंबर कितना हो जिसमें कंपोनेंट्स का नंबर टू इन नंबर हो, मतलब जिसका नंबर कितना हो दो हो, तो इसे हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड द बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल प्लस वाटर द फॉर्मूला इज C2H5OH प्लस वाटर दैट इज कॉल्ड द H2। सेकेंड ग्लूकोज प्लस वाटर दैट इज C6H12O6 प्लस H2O। थर्ड इज दैट सुगर प्लस वाटर लाइक C12H22O11 प्लस H2O, लाइक आयोडीन प्लस अल्कोहल I2 प्लस C2H5OH मीन्स दैट इज कॉल्ड द टिंचर ऑफ आयोडीन। दिस इज अ टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ, ये सारे क्या है एग्जाम्पल्स है हमारे बाइनरी सॉल्यूशन के, क्योंकि इसमें आप देखो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टोटल कितने हैं दो है, अल्कोहल प्लस वाटर दो कंपोनेंट्स, ग्लूकोज प्लस वाटर दो कंपोनेंट्स, सुगर प्लस वाटर दो कंपोनेंट्स, आयोडीन प्लस अल्कोहल टू कंपोनेंट्स। तो जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो दो हो तो उसे हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड बाइनरी कहते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट मोर देन टू हो उसे हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड द पॉलिनरी कहते हैं। तो चलिए पॉलिनरी देखते हैं। दैट इज द पॉलिनरी सॉल्यूशन। पॉलिनरी जिसे कहते हैं दो सॉल्यूशन विच कॉन्टेन मोर देन टू कंपोनेंट्स नोन एज पॉलिनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल एयर इन विच O2 प्लस H2 प्लस Cl2 प्लस Ar प्लस CO2
ईटीसी। सेकंड एलवाई लाइक सीयू प्लस एजी प्लस एयू ईटीसी। पुलिनरी किसे कहते हैं? पुलिनरी कहते हैं कि जिसमें जो नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स हो पुलिनरी में उसका नंबर मोर देन क्या आता हो, टू आता हो। दो सॉल्यूशन इन विच कॉन्टेन द मोर देन टू कंपोनेंट, जिसमें कंपोनेंट्स का नंबर दो से ज्यादा होता हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द पुलिनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दो तरह के हुए, बाइनरी एंड पुलिनरी। बाइनरी जिसमें कंपोनेंट्स दो हो, पुलिनरी जिसमें कंपोनेंट्स मोर देन क्या हो, टू हो, दैट इज कॉल्ड द पुलिनरी। नाउ फिर से हम एक दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बट ये जो क्लासिफिकेशन होगा उसका बेसिस क्या होगा, यहां पर भी मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बात किया, फिर से मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या करना है, इसका बेसिस चेंज होगा, बेसिस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देयर इज अ थ्री टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन, एंड थर्ड इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट दो हुए, बाइनरी पोलिनरी। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो क्या है, अब मैं जो बता रहा हूं वो ये है कि सॉल्वेंट के क्या, सॉल्वेंट के नेचर के अकॉर्डिंग, सॉल्वेंट के कंसेंट, सॉल्वेंट के स्टेट के अकॉर्डिंग, जो सॉल्वेंट है उसका कौन सा स्टेट है, उसके स्टेट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन जो है वो तीन तरह के हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन, सेकेंड इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन, एंड थर्ड इज कॉल्ड द सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं दैट सॉल्वेंट फाउंड, जो सॉल्वेंट होगा वो पाया जाएगा यहां पर इन द फॉर्म ऑफ गैस। गैसियस सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसके जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैस स्टेट में होते हैं। अब सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। बट गैसियस सॉल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गैसियस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, गैस स्टेट में होगा। लिक्विड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट लिक्विड में होगा, सॉलिड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड में होगा। मींस दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट आर फाउंड इन गैसियस स्टेट, दैट इज कॉल्ड द गैसियस सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन विद सॉल्वेंट फाउंड इन लिक्विड स्टेट, दिस इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। एंड दो सॉल्यूशन विद सॉल्वेंट इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड सॉल्यूशन। मींस आप ये बोल सकते हो गैसियस सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट फाउंड इन गैसियस स्टेट नोन एज गैसियस सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल एयर हो जाएगा, सेकेंड मिक्सचर ऑफ O2 प्लस N2 हो जाएगा। गैसीय सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट किस स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो। जैसे एयर देखो, एयर में क्या है, एयर में जो सॉल्वेंट है वो भी गैस में है और जो डिजॉल्व किया जा रहा है वो भी क्या है, गैस में है, क्योंकि एयर तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का मिक्सचर है। तो यहां पे गैसियस सॉल्यूशन कहना किसको है, तो गैसियस सॉल्यूशन उसको कहना है जिसका सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में हो। अब सॉल्यूट को तो फिक्स नहीं कर रहा है कि वो क्या होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, कि क्या होगा, ये बोला है कि जिसका सॉल्वेंट गैस स्टेट में हो, उसका सॉलिड, उसका जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस हो सकता है। अब देखो एयर का जो सॉल्वेंट है
ठीक है, वो भी गैस में है और सॉल्यूट भी क्या है, गैस में है, इसलिए एयर एक तरह का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एयर एक तरह का क्या होगा, दैट इज ए टाइप ऑफ ए गैसियस सॉल्यूशन होगा। ऐसे एयर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग कैसा है, पॉलिनरी सॉल्यूशन है, और एयर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस तरह का सॉल्यूशन है, दैट इज ए टाइप ऑफ ए गैसियस सॉल्यूशन। या फिर आप दो गैसों को मिक्स कर दो, O2 प्लस N2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को एक में क्या कर दो, मिक्स कर दो, तो O2 प्लस N2, इसमें N2 जो एक सॉल्वेंट के फॉर्म में है वो भी गैसियस स्टेट में है और O2 भी एक तरह के क्या है, गैसियस स्टेट में है। या फिर O2 अगर सॉल्वेंट है तो O2 भी गैसियस स्टेट में होता है और नाइट्रोजन गैस को उसमें डिजॉल्व किया जाता है वो भी क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट आप O2 गैसियस जो ले रहे हो O2 वो गैस स्टेट में है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द गैसियस क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो गैसियस सॉल्यूशन कुछ नहीं है यार, इतना लंबा नहीं खींचना है, गैसियस सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट गैस स्टेट में हो वही तो क्या होता है, गैसियस सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, लिक्विड सॉल्यूशन, इसका क्या कंडीशन होने वाला है, सॉल्वेंट जो होने वाला है वो किस स्टेट में होने वाला है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। मींस आप कह सकते हो दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट फाउंड इन लिक्विड स्टेट नोन एज लिक्विड सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट किस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द लिक्विड सॉल्यूशन होता है। अब यहां पर भी सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तीनों कंडीशन को फॉलो कर सकता है। मींस यहां पर सॉल्वेंट प्लस क्या होता है, सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट गैस, सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, सॉल्यूट क्या हो जाएगा, लिक्विड भी हो सकता है, फिर सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, लेकिन सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मतलब सॉल्वेंट आपको हमेशा लिक्विड रखना है, आप सॉल्यूट को क्या कर सकते हो, सॉलिड लिक्विड गैस क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मींस वैसे सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट लिक्विड में हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम जो ये सॉल्यूशन बनाएंगे, ये सारा सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द लिक्विड सॉल्यूशन होगा, दिस ऑल आर नोन एज द लिक्विड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर ले लो, तो जो शुगर प्लस आप वाटर डिजॉल्व करते हो ना, तो शुगर प्लस वाटर, शुगर सॉलिड स्टेट में है, इसका सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, इसलिए ये भी क्या होगा, आपका लिक्विड सॉल्यूशन होगा। या फिर आप साल्ट ले लो और साल्ट को आप वाटर में डिजॉल्व कर दो, तो साल्ट प्लस वाटर ये भी एक एग्जाम्पल होगा किसका, लिक्विड सॉल्यूशन का। या फिर आप अल्कोहल ले लो, अल्कोहल प्लस वाटर कर दो, ये भी एक एग्जाम्पल होगा किसका, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन कुछ नहीं है यार, काफी इजी है। आपको करना क्या है कि सॉल्वेंट लिक्विड ले लेना है, आप सॉल्यूट को सॉलिड लिक्विड गैस क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्लियर? नाउ थर्ड पे आते हैं हम लोग, गैसियस लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होने वाला है, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन होने वाला है, सॉल्वेंट जो होगा, ये सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड में पाया जाएगा, जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड स्टेट में क्या होगा, अवेलेबल होगा। ठीक है, जैसे गैसियस स्टेट, गैसियस सॉल्यूशन में गैस में, लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड में, और सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, मीन्स आप ये बोल सकते हो कि दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट found in solid state known as solid solution। वैसे solution जिसका solvent solid state में हो, तो ऐसे solution को हम क्या कहते हैं, that is called the solid solution कहते हैं। For example,
फॉर एग्जाम्पल क्या होने वाला है, एलवाइल, एलवाइल होना, कॉपर प्लस, सी यू प्लस, जेड एन और सी यू प्लस ए यू। जितना आप चैन पहनते हो, जैसे मैंने एक सिल्वर का चैन पहना है, तो ये ओरिजिनल सिल्वर नहीं होगा, इसमें सम अमाउंट ऑफ कॉपर क्या किया गया होगा, डिजॉल्व किया गया होगा। तो जो आपने सिल्वर लिया उसका अमाउंट ज्यादा है, तो जो सिल्वर आपने लिया वो क्या होता है, सिल्वर किस स्टेट में होता है, सॉलिड। तो जो सिल्वर सॉलिड स्टेट में, इसका मतलब कि सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है, और कॉपर भी क्या होता है, मेटल है, उसका स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड को सॉलिड में आपने डिसॉल्व किया, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। मींस सॉल्वेंट क्या हो गया, तो सॉल्वेंट इसका सॉलिड स्टेट में मिला, सो दैट इज कॉल्ड द सॉलिड सॉल्यूशन। मींस यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बाइनरी पोलिनरी, एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सॉल्वेंट थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड। कुछ नहीं है यार, गैसियस मींस जिसका सॉल्वेंट गैस स्टेट में हो, लिक्विड जिसका सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हो, और सॉलिड जिसका सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में हो। अब गैसियस में सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी गैस भी हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होगा, बट सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन में भी जो आपके सॉल्वेंट होंगे वो सॉलिड स्टेट में होंगे, बट सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस भी हो सकता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करता हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन ही, लेकिन अब उसका बेसिस कुछ और होगा। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ही बेसिस अब उसका चेंज हो रहा है। इसके पहले दो बेसिस पर मैंने बात किया, पार्टिकल बेसिस पर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पर। तीसरा मैं बेसिस अब बताने जा रहा हूं, और तीसरा बेसिस होने जा रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो तीसरा बेसिस होने जा रहा है सॉल्यूशन का, लेकिन ये बेसिस है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्या अमाउंट है, उस सॉल्यूट के अमाउंट के अकॉर्डिंग, मीन्स सॉल्यूट के कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को अलग अलग पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। मीन्स द थर्ड बेसिस इज दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन का तीसरा बेसिस, बेसिस अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ, सॉरी टाइप बोल रहे हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, तीसरा बेसिस है ये। ये तीसरा बेसिस इसके अकॉर्डिंग है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, उस सॉल्यूट के अमाउंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को कितने सारे पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। क्या कोई ऐसा भी सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट कम होता हो, या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होता, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। मींस हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, दैट इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो किसके अकॉर्डिंग है ये, सॉल्यूट के अमाउंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दो तरह के हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन इन विच एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर या फिर एट ए फिक्स टेम्परेचर नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट, नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें किसी फिक्स टेम्परेचर पे, जैसे अभी आपका ये, मैंने क्या किया कि जैसे ये बोर्ड हुआ और आपके इस रूम में, ठीक है ना, इस रूम में मैंने क्या किया कि एक ग्लास पानी लिया, ये हमने क्या किया,
इस रूम टेम्परेचर पे, जो हमारा रूम टेम्परेचर है, इस रूम टेम्परेचर पे हमने क्या किया, एक ग्लास वाटर लिया। इस एक ग्लास वाटर में हमने ये हमने इसमें एक ग्लास क्या किया, वाटर लिया, ठीक है। अब इस एक ग्लास वाटर में हम इसमें शुगर को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, शुगर को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हम शुगर को इसमें मिक्स करेंगे, स्टार्टिंग में जब हम इस वन ग्लास ऑफ वाटर में जब हम शुगर मिक्स करेंगे, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो शुगर डिजॉल्व होगा उसका अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। हमने इस रूम में या फिर आप जहाँ पे देख रहे हो मेरी वीडियो, उसी जगह पे आप एक ग्लास वाटर लिए और उसका कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर तो होगा, जैसे रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन। आपने अपने रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पर वन ग्लास ऑफ वाटर लिया और उस वन ग्लास ऑफ वाटर में आपने क्या किया, शुगर को मिक्स किया। तो स्टार्टिंग में जब तुम शुगर को मिक्स करोगे, तो शुगर के मिक्स होने के जो डिजोल्यूशन होगा, वो शुगर का मिक्सिंग का डिजोल्यूशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, हाई होगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीज करते जाओगे, ठीक है ना, जैसे 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 टाइम एक्सटेंड होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे शुगर का डिजोल्यूशन क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करते जाए, आप जैसे एक ग्लास शुगर मिलाए, फिर मिलाए, फिर मिलाए, जैसे जैसे टाइम एक्सटेंड करते जाएगा, वैसे वैसे शुगर जितना पहले डिजॉल्व करता था, उतना अब शुगर डिजॉल्व नहीं होगा। मींस एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर अब शुगर को डिजॉल्व करना क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। मीन्स शुगर कैनॉट बी डिजॉल्व एट ए पॉइंट। तो उस टाइम में वो सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में अब सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, मतलब कि अब जब आपका वो टाइम के उस टाइम का सॉल्यूशन, जिस टाइम पे जब आपने एक ग्लास चीनी डाला और एक ग्लास, जैसे ही आपने एक चम्मच चीनी आपने एक ग्लास पानी में जैसे ही आपने डाला, और आपका जो शुगर था वो नीचे क्या हो गया, प्रेसिपिटेट कर गया। मीन्स अब वो सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट को डिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। वैसे सॉल्यूशन जिसमें अब सॉल्यूट ना घुले, मतलब कि जब आपका चीनी घुलना बंद हो गया, तो उस टाइम वाले सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन इन विच एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर मोर सॉल्यूट कैन बी dissolve known as unsaturated solution। ऐसे solution जिसमें अब क्या होगा, तो वैसे solution जिसमें आप और अधिक सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हो। जैसे जब तक चीनी आपके उस वन ग्लास ऑफ वाटर में डिजॉल्व कर रहा था, तो एक ऐसा सॉल्यूशन था जिसमें अभी और शुगर क्या हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है। तो दो सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मींस आपका जब तक शुगर उस वाटर में डिजॉल्व हो रहा था, तब तक वो सॉल्यूशन क्या था, अनसेचुरेटेड था। लेकिन जब वो जो आपका सॉल्यूशन जब शुगर का डिजॉल्व होना क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब शुगर अब डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस वैसे सॉल्यूशन जिसमें शुगर डिजॉल्व हो रहा है, मींस जिसमें शुगर के डिजॉल्व होने के चांसेस हैं, वो आपका एग्जांपल किसका है, अनसैचुरेटेड का है। और वैसा एक ग्लास वाटर जिसमें अब शुगर डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, जिसके वजह से अब उसके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होने से सॉल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है।
अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इसमें क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट अभी कम है जिससे इंटरसेलुलर स्पेस अवेलेबल है, जिससे और अधिक सॉल्यूट क्या हो सकते हैं, डिजॉल्व हो सकते हैं। तो आप सेचुरेटेड सॉल्यूशन में एक और पॉइंट लिख सकते हो, इन दिस सॉल्यूशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट, सो नो इंटर मोलिकुलर स्पेस अवेलेबल फॉर डिजॉल्विंग। इतने ज्यादा सॉल्यूट हो चुके हैं कि उसके पास अब इंटरसेलुलर स्पेस ही नहीं है, तो घुला कैसे पाएगा, ठीक है ना। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, दे हैव लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सो डिजोल्यूशन इज पॉसिबल। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में सेचुरेटेड के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट कम है, जिसके वजह से डिजोल्यूशन क्या है, पॉसिबल है। आप उसे क्या कर सकते हो, डिजॉल्व कर सकते हो। अब देखो, नाउ अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन आर जनरली टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन को दो पार्ट में फिर से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कॉल्ड द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज मच ग्रेटर देन सॉल्वेंट और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अप्रॉक्स इक्वल इन अमाउंट। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें वैसे अनसेचुरेटेड, चूंकि अनसेचुरेटेड का ही पार्ट है, तो वैसे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट लगभग क्या हो, इक्विवेलेंट हो, लगभग बराबर हो, या वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो, ज्यादा हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which solvent is much greater than solute known as dilute solution। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट क्या हो, बहुत ज्यादा हो। जैसे हमने क्या किया कि एक बकेट पानी ले लिया और उसमें वन चम्मच, मींस आप एक बकेट आपने वाटर लिया और उसमें आपने क्या किया, वन टी स्पून, ठीक है ना, एक चम्मच आप उसमें क्या कर रहे हो, शुगर को डिजॉल्व कर रहे हो। एक बकेट पानी में आप एक चम्मच अगर उसमें चीनी डालते हो, वन बकेट ऑफ वाटर में अगर आप वन टी स्पून अगर शुगर डालते हो, या वन टी स्पून अगर आप उसमें क्या करते हो, साल्ट डिजॉल्व करते हो, या टू
2-8 टीस्पून आप शुगर डिजॉल्व करो वी कैनो, या फिर आप 1 बकेट ऑफ वाटर 1 लीटर वाटर में आप 10 ग्राम अगर उसमें शुगर डिजॉल्व करो, 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व करो, तो ऐसे सॉल्यूशन में क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा, सॉल्यूट बहुत कम होगा, सो दैट इज कॉल्ड द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। That is the type of solution. ये सारे हमारे क्या थे types of क्या थे solution थे according to component, दो थे binary polymeric according to their nature of solvent, तीन थे कौन कौन से, तो तीन ऐसे थे gaseous solution, liquid solution, solid solution और according to their nature of amount of solute, दो थे कौन से saturated, unsaturated, unsaturated फिर दो थे concentrated और diluted। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर कि यहाँ बगल में ही कुछ काम हो रहा है, इसके वजह से आपके वीडियो में थोड़ी सी साउंड एक्सटर्नल ज़्यादा जा रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि वो साउंड ना आए, तब तक आप इस वीडियो में थोड़ी सी परेशानी को झेलिए, नेक्स्ट वीडियो से वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि बगल में कुछ फर्नीचर का काम हो रहा है, तो फर्नीचर के काम होने की वजह से उसकी साउंड यहाँ पर क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट इज दैट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अगला बात कर रहे हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो गया, इफ ए सॉल्यूशन चेंजेज इनटू सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हो गया मतलब अब उसमें सॉल्यूट तो नहीं डिजॉल्व होने वाला है भाई, तो अगर कोई सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो गया और आप चाहते हो कि वो क्या हो जाए, फिर से अनसेचुरेटेड हो जाए, मतलब कोई सॉल्यूशन है जिसमें अब सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहा है और आप चाहते हो कि उसमें अभी और हम सॉल्यूट को डिजॉल्व करें, तो ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप ऐसा कर सकते हो, तो देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक। Saturated solution. Factor affecting the saturated solution. Saturated solution को ऐसे कौन कौन से factors हैं जो क्या करते हैं affect करते हैं, इसके जो factors हैं ऐसे हैं तो बहुत, लेकिन आपको पढ़ने हैं generally कितने 3 factors, और यही तीनों factors सबसे ज़्यादा importance भी हैं। The first factor is that temperature या फिर इसको कह सकते हो आप क्या हीट। द सेकेंड इज दैट प्रेशर एंड द थर्ड इज दैट नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे 3 फैक्टर्स हैं, एक है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर और तीसरा है क्या नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यही 3 फैक्टर सेचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं, मतलब कि अगर कोई सॉल्यूशन सेचुरेटेड है तो आप उस सेचुरेटेड को अनसेचुरेटेड में क्या कर सकते हो कन्वर्ट कर सकते हो ये 3 फैक्टर के थ्रू। फर्स्ट टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर सेचुरेटेड सॉल्यूशन चेंज इंटू अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो चुका है, सेचुरेटेड कोई सॉल्यूशन हो चुका है और आप अगर इसे हीट कर दोगे, डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा मीन्स क्या होता है हीट कर दोगे, तो ये सॉल्यूशन सेचुरेटेड से क्या हो जाएगा अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप कभी कभी घरों में आप देखते होंगे कि घरों में एक चाशनी बनाई जाती है, चाशनी में क्या होता है कि सॉल्वेंट कम लिया जाता है, सॉल्वेंट को कम लिया जाता है, सॉल्यूट को क्या किया जाता है ज़्यादा ले लिया जाता है। जनरली आप जब चाशनी बनाना देखोगे तो वाटर कम होता है, शुगर ज़्यादा होता है, लेकिन जितना शुगर लिया गया होता है उस वाटर में, ठीक है ना, वो शुगर नॉर्मल टेम्परेचर पे उतने वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता। जो आप वाटर देखते हो और जो शुगर देखते हो जो डिजॉल्व कर जाता है हीटिंग करने से, तो जितना वाटर और शुगर लिया गया है उतने वाटर में उतना शुगर डिजॉल्व नहीं हो सकता है। मीन्स जो सॉल्यूशन विदाउट हीटिंग है, जो कि शुगर और वाटर तुम देख रहे हो बिना हीट किए, दैट इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन है।
लेकिन अगर उसी वाटर उतने ही वाटर को अगर शुगर में डाल करके अगर सिर्फ आप हीट करना शुरू करते हो तो देखते हो कि पूरी चाशनी बन जाती है। मीन्स वो उतना शुगर उतने ही सॉल्वेंट में क्या कर रहा है, डिजॉल्व कर जा रहा है। मीन्स इसके पहले वो क्या था, अनसेचुरेटेड था, क्योंकि डिजॉल्व नहीं करता नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो वो क्या था, सेचुरेटेड था। जब तक वो डिजॉल्व नहीं करता वो क्या था, सेचुरेटेड था। लेकिन अगर उसी सेचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आपने हीटिंग करना शुरू कर दिया तो वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन कन्वर्ट कर गया क्या, दैट इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो अगर आप सेचुरेटेड को अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट्स बाई द हेल्प ऑफ हीटिंग। आप उस टाइम क्या करो, उस टेम्परेचर को चेंज कर दो। आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा। द सेकेंड इज दैट प्रेशर, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सेचुरेटेड सॉल्यूशन कन्वर्टेड इंटू अनसेचुरेटेड गैसियस सॉल्यूशन बाय इंक्रीज इन प्रेशर। कोई अगर गैसियस सॉल्यूशन हो ना, कोई गैसियस सॉल्यूशन जैसे जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व किया गया होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे कभी भी, नॉर्मल प्रेशर पे कभी डिजॉल्व भी नहीं हो सकता, क्योंकि गैस को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करने के लिए आपको हाई प्रेशर क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। इसका मतलब कि कोई गैस को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करना वो एक क्या है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर उसी गैस को हाई प्रेशर पे डिजॉल्व किया जाए तो वो सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, घुल जाता है। जैसे आप जैसे ही कोल्ड ड्रिंक का बटन खोलते हो, ऊपर वाला जैसे ही उसका बटन खोलते हो, तुरंत बबल्स निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर डिजॉल्व किया गया है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजॉल्व है कब, जब प्रेशर लग रहा है तब। अगर वही प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है तो वो क्या है, अनसेचुरेटेड से फिर से क्या हो रहा है, सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर जा रहा है। मतलब कि सेचुरेटेड से अगर अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन यू कैन इंक्रीज द प्रेशर। आपको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तीसरा थर्ड फैक्टर इज दैट नेचर ऑफ सॉल्वेंट और amount of solvent, if you increase the amount of solvent or nature of solvent, then saturated solution चेंज इंटू अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्वेंट के नेचर को चेंज कर दो, जैसे मान लो कि ऐसा सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो जो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट को डिजॉल्व ही नहीं कर रहा। मीन्स क्या है, ऐसा सॉल्वेंट है जो सॉल्यूट के नेचर से क्या है, अलग है। जैसे आप सॉल्यूट जो डिजॉल्व कर रहे हो वो आयनिक सॉल्यूट है, और जो सॉल्वेंट यूज किए हो वो क्या है, नॉन आयनिक सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्यूट यूज कर रहे हो वो आयनिक है, जो सॉल्वेंट है वो नॉन आयनिक सॉल्वेंट है, तो क्या होगा, डिजोल्यूशन कम होगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों का नेचर सेम होगा तो डिजोल्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर सॉल्यूट आयनिक हो, सॉल्वेंट भी आयनिक हो, तो क्या होगा, सॉल्वेबिलिटी ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, इजिली डिजॉल्व करेगा। लेकिन अगर आप क्या करो, चेंज कर दिए, अगर आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट चेंज कर दिया। जैसे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट था या जो नॉन आयनिक सॉल्वेंट था, उसे अगर आप आयनिक में चेंज कर देंगे तो सॉल्यूट भी आयनिक होगा, सॉल्वेंट भी आयनिक होगा, सॉल्वेबिलिटी ज्यादा होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएंगे, तो सेचुरेटेड से क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड में चेंज कर जाएगा। या मान लो कि तुम्हारे पास एक ग्लास वाटर था और तब तुम शुगर को डिजॉल्व कर रहे थे, नहीं डिजॉल्व हो रहा था, मतलब सेचुरेटेड हो गया था। अब तुमने क्या किया कि जो एक ग्लास वाटर था उसको एक बकेट ऑफ वाटर में चेंज कर दिया,
तो जैसे ही तुमने सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज करना है तो सॉल्वेंट अमाउंट इंक्रीज जैसे करेगा तो उसका क्या होगा, मीडियम इंक्रीज करेगा तो इंटरसेलुलर स्पेस इंक्रीज करेगा, और इंटरसेलुलर स्पेस इंक्रीज करेगा तो मीडियम का में जगह ज़्यादा मिल जाएगा सॉल्यूट को डिजॉल्व होने के लिए, और फिर क्या हो जाएगी सॉल्यूशन सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप दैट इज द इनफ फॉर योर द टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर योर क्लास 9th एंड द प्री फाउंडेशन नीट एंड फॉर प्री फाउंडेशन जे। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है, आपके क्लास 9th के लिए फॉर योर सॉल्यूशन। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूरा खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में बात करने वाला हूँ, वो आपका टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि कंप्लीट न्यूमेरिकल पोर्शन है, कंप्लीट उसमें हम लोग न्यूमेरिकल का डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, क्योंकि इस तरह से आपके और भी फ्रेंड्स आपके साथ जुड़ेंगे, आपके और हमारे चैनल पे आएंगे, और फिर हमारा जो ये जर्नी है वो और ज़्यादा एक्सटेंड करें। आई होप आपका सपोर्ट तो मुझे स्टार्टिंग से ही मिल रहा है, थोड़ी सी इस वीडियो में एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सटर्नल साउंड ज़्यादा आया है, नेक्स्ट वीडियो से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बगल में फर्नीचर की काम हो रही है तो इसका साउंड आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो से सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके साथ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके कंटिन्यू वीडियो लगातार आ रहे हैं, आई होप आपकी जो एक प्रॉब्लम थी कि सर आपकी वीडियो कंटिन्यू नहीं आती है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन मिल गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड जय हिंद।